जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर सलीम इकबाल है और मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। व्यूअर्स, आज हम एक अहम टॉपिक, एक अहम इशू के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मली हर घर के अंदर छत के ऊपर प्लास्टिक के टैंक पड़े हुए हैं और गर्मियों के अंदर जो है वो पानी इन टैंक्स के अंदर शदीद गर्म हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि मार्केट के अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के मटेरियल अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पानी के टैंक्स को जो है वो कवर कर सकते हैं और पानी को गर्म होने से बचाया जा सकता है, और ताकि पानी गर्म ना हो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल रहे। अब उसके अंदर मार्केट के अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये अंडरले फोम है, इसको कारपेट फोम भी कहते हैं, अंडरले फोम भी कहते हैं, और ज़्यादातर ये फेमस जो है वो जंबोलोन के साथ फेमस, क्योंकि जंबोलोन ब्रांड है जो कंपनी बना रही है उसने इसका नाम जंबोलोन रखा हुआ है। अदरवाइज ये अंडरले फोम इसे कहते हैं, कारपेट फोम कहते हैं, और टेक्निकल नाम इस फोम का जो है वो पॉलीएथिलीन फोम है। अब ये मार्केट के अंदर 3 mm से लेके और 10 mm तक जो है ना ये डिफरेंट मोटाइयों के अंदर ये फोम अवेलेबल है, और थिकनेस के हिसाब से ही जो है इसकी कॉस्ट है। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 mm या 5 mm या 10 mm थिकनेस के अंदर अगर आप ये फोम यूज़ करते हैं तो ये कोई ख़ास फ़ायदा आपको नज़र नहीं आएगा। पानी का टेम्परेचर कोई ख़ास जो है ना इससे कंट्रोल नहीं होता, 3 mm पे तो बिल्कुल ही नहीं होता। इवन आप 10 mm पे भी जाते हैं तो कोई 30-40% तक आपको जो है ना वो टेम्परेचर में बेहतरी महसूस होगी, लेकिन 30-40% टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करना जो है ना वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो है उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखें कि इसकी वेदर प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए फर्दर आपको किसी चीज़ से कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये फोम 3-4 महीने के अंदर धूप में डिग्रेड हो जाएगा, और डिग्रेड होने के बाद धुलना शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वेदर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, अदरवाइज जो है वो 3-4 माह के बाद जो है ना ये फोम आपके लिए बेकार है। उसके बाद इसी फोम के अंदर जो है वो आप देखेंगे एक साइड पे ये एल्युमिनियम फॉइल लगा हुआ है, और एक साइड पे फॉइल है, दूसरी साइड पे आप देखेंगे ये फोम लगा हुआ है। इसके अंदर भी जो है ना वो आपको ज़्यादातर 4 mm थिकनेस के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये 4 mm थिकनेस के अंदर ये फोम मिलेगा, लेकिन 4 mm थिकनेस के अंदर जो है ये फॉइल की वजह से कुछ हद तक काम कर जाता है, अदरवाइज इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कम है, 25-30% तक जो है ये परफॉर्म करेगा। और ये जो फोम मैंने पहले बताया था इसके अंदर अगर आप तकरीबन 1 inch थिकनेस के अंदर जाते हैं तो 1 inch थिकनेस के अंदर भी ये तकरीबन जो है ना वो कोई 60% तक पानी का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। उसकी वजह यह कि ये मटेरियल की अपनी करेक्टरिस्टिक होती है, खासियत होती है कि उसने कितना टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो डिफरेंट मटेरियल जो है वो डिफरेंट थिकनेस के ऊपर उनकी डिफरेंट क्वालिटी रहे। 1 inch थिकनेस नॉर्मली मार्केट के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं लोग जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंसुलेशन की भी, लेकिन ये फॉर्म जो है वो 1 inch के ऊपर भी तकरीबन 60% तक पानी का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद एक सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है ग्लास वूल का, ये जो है वो आप देख सकते हैं, इसे हम ग्लास वूल कहते हैं। इसके भी जो है ना वो कुछ वूल जो है वो बगैर फॉइल की आती है, दोनों तरफ से प्लेन होती है और किसी में ये फॉइल लगा होता है ये फॉइल, लेकिन ये फॉइल जो है ये देखें इसके अंदर वाली साइड पे पेपर है, और इस फाइल की इसके साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती। दूसरा इसका नुकसान ये है कि अगर इसको प्रॉपर वेदर प्रोटेक्शन आप नहीं देते तो ये जो आपकी वूल है एक दफ़ा अगर पानी से गीली होगी तो ये उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये आपके लिए टोटल ज़ाया है। इसकी परफॉर्मेंस जो है उस कारपेट फॉर्म के मुकाबले में, अंडरले फॉर्म के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये अगर एक दफ़ा गीली हो जाए तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। एक और इंसुलेशन जो मार्केट में अवेलेबल है वो थर्मोपोर है, और अक्सर लोग जो है वो अपने तौर पे इससे टैंक्स को कवर करते हैं, लेकिन इसका इशू ये है परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो ये उन दोनों मटेरियल्स के मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, लेकिन जो इसका मेन इशू ये है कि ये पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन परिंदे वगैरह इसको आके जल्दी ख़राब कर देते हैं अगर हम इसको प्रॉपर कवर नहीं करते। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ग्लास वूल जो है उसकी परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं ये आने वाली वीडियोस में ये एक्सप्लेन करूंगा कि ग्लास वूल की परफॉर्मेंस कब इससे बेहतर है और कब इससे हल्की है। नॉर्मली कम टेम्परेचर जो नॉर्मल 45-50 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके ऊपर जो है थर्मोफोर की परफॉर्मेंस ग्लास वूल से बेहतर है, हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्लास वूल की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, लेकिन उसकी रीज़न मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर,
तो आने वाली वीडियो मिस ना कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ग्लास वूल की परफॉर्मेंस इससे बेहतर है या कम है, और क्या उसकी वजह है, क्यों हम कहते हैं कि थर्मोपोल की परफॉर्मेंस ग्लास वूल से बेहतर है। अच्छा, अब प्रॉपर इसकी प्रोटेक्शन जो है ना, वो मार्केट में आपको ये शीट मिल जाएगी, 4x4 की शीट मिल जाती है, 2x3 की मिल जाती है, और छोटे छोटे पीसेज में लोग लगाते हैं। हमने बेसिकली जो है ना, वो 4 साल पहले जो है वो स्मार्ट शील्ड के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसमें भी हमने जो है वो थर्मोपोल इंसुलेशन ही यूज़ किया है 1 इंच मोटी, और उसको हमने प्रॉपर वेदर प्रोटेक्शन दी है। ये एक स्पेशल फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, ये फैब्रिक जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये एक स्पेशल फैब्रिक है, ये देखने में फॉइल ही लगता है, लेकिन इसकी एक खास स्ट्रेंथ है, अगर इसमें आप देखें तो इसके अंदर ये फाइबर की पूरी थ्रेडिंग हुई हुई है, ठीक है, और अंदर वाली साइड पे वाटरप्रूफ लेमिनेशन आपको नजर आ रही होगी, बाहर वाली साइड पे ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। इस फैब्रिक को जो है वो हमने थर्मोपोल को कवर करने के लिए, वेदर प्रोटेक्शन के लिए हमने इस फैब्रिक को यूज़ किया है। हम इसकी प्रॉपर स्टिचिंग करते हैं और थर्मोपोल इसके अंदर टोटल जो है वो पैक हो जाती है दोनों तरफ से, यानी कि अगर अंदर से पानी का ओवरफ्लो हो तब भी जो है ना वो ये ख़राब नहीं होगा, और बाहर से अगर बारिश वगैरह आती है तो उसकी वजह से भी ये ख़राब नहीं होगा। एक और जो हमने इसके अंदर चीज़ ऐड की है, और इसकी परफॉर्मेंस मिनिमम 85% तक पानी का टेम्परेचर जो है ये कंट्रोल करता है, और इसकी परफॉर्मेंस उन दोनों मटेरियल्स के मुकाबले में ज़्यादा है। उसके बाद हमने जो एक और चीज़ ऐड की, हमने इसके साथ स्पेशल बेल्ट प्रोवाइड की हैं, ये बेल्ट जो हैं इसको प्रॉपर बॉडी के गिर ग्रिप करती हैं, 3 बेल्ट बॉडी के गिर ग्रिप करती हैं, एक टॉप बेल्ट है जो कि टॉप को पकड़ती है ऊपर से, तो इसके साथ हमने ये प्रॉपर सोल्यूशन दिया है। और एक और चीज़ जो हमने इसमें की है वो ये कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं तो ग्लास वूल का रोल आपको मिलेगा, जितना आपको मटेरियल चाहिए उतना अगर मिलता है तो वो महंगा पड़ता है, और इसी तरह जो है वो जो आपका अंडरले फोम है, कारपेट फोम जो है वो भी 4 फुट चौड़ा होता है, उसमें चौड़ाई कम ज़्यादा नहीं होती, तो अगर आपने जो है वो टैंक को कवर करना है सम टाइम आपको 4 फुट से कम फोम यूज़ करना पड़ता है, और बाकी वेस्टेज है सम टाइम आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, उस केस में बाकी वेस्टेज है, तो आपको पूरा कस्टमाइज जो है ना वो साइज नहीं मिलेगा। लेकिन हमने ये किया है कि हमने जो है वो पूरा साइज बना के जैकेट का वो हमने लॉन्च किया है मार्केट के अंदर, कस्टमर के टैंक का जो भी साइज होता है उस साइज के हिसाब से ही जो है वो हम जो है ना वो जैकेट उसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये कस्टमाइज साइज है इसका। अगर हम जो है वो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अंडरले फोम जो है वो डेफिनेटली सस्ता है, परफॉर्मेंस वाइज भी उसकी परफॉर्मेंस सबसे कम है। अगर आप 1 इंच के ऊपर लेते हैं तो तकरीबन आपको जो अंडरले फोम जो है वो 3500 रुपए का एक मीडियम साइज के टैंक के लिए 1 इंच थिकनेस के ऊपर मिलेगा, जो कि पूरी टैंकी को कवर करेगा। अगर फॉइल के साथ लेते हैं तो तकरीबन 4500 का मिलेगा 1 इंच थिकनेस के ऊपर, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी, बेल्ट वगैरह के साथ फिक्स करना है, आपने समझ बॉन्ड के साथ फिक्स करना है, वो चीज़ें आपको अलग से लेनी पड़ेंगी, और उसकी कटिंग करके साइज पूरा आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ग्लास वूल की बात करें तो वो वैसे सस्ती है, लेकिन ग्लास वूल की वेदर प्रोटेक्शन 100% होनी चाहिए, अंडरले फोम या आपका जो थर्मोकोल इंसुलेशन ये तो फिर भी कुछ हद तक काम कर जाती है, अगर नहीं भी प्रोटेक्शन देते ये परिंदे वगैरह इसे ख़राब करते हैं, लेकिन ग्लास वूल जो है उसको तो हर सूरत जो है वो वेदर प्रोटेक्शन चाहिए होती है, अदरवाइज हल्की सी भी बारिश होगी वो गीली होगी तो वो बिल्कुल वेस्ट है, टोटल ज़ाया है। तो ग्लास वूल का जो है वो वेदर प्रोटेक्शन के बगैर उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो 2 इंसुलेशन हैं उनका इस्तेमाल पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वेदर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो वेदर प्रोटेक्शन जब हम देते हैं तो उसके साथ इन सारे मटेरियल की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो फुल फ्लेज हम प्रोडक्ट दे रहे हैं स्मार्ट शील के नाम से, ये कस्टमाइज होता है और पूरे साइज के मुताबिक, हर टैंक के साइज के मुताबिक हम ये बना के देते हैं, और इसकी जो एवरेज मीडियम साइज का जो टैंक है उसके लिए जैकेट की जो प्राइस है वो 6500 रुपये है, लार्ज साइज के टैंक के लिए तकरीबन 8000 रुपये की है, लेकिन इसमें बेल्ट वगैरह प्रॉपर होंगी, दोनों तरफ से ये कवर्ड होती है, और जो है ना वो कंप्लीट प्रोडक्ट है, आपको मार्केट से भी कोई चीज़ ले के तो उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी बंदा इसको आसानी से फिक्स कर सकता है। हम एक आने वाली वीडियो जो है वो एक बना के इसकी इंस्टॉलेशन की वो भी हम जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। कि इसके अलावा हमने देखा होगा कि पाइप्स का भी एक बड़ा अहम इशू है, पाइप के अंदर भी पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके लिए भी मार्केट के अंदर सोल्यूशन जो अवेलेबल है वो ये ब्लैक कलर का पाइप है, जो कि कॉपर के पाइपिंग के लिए भी यूज़ होता है ब्लैक कलर का, लेकिन इसकी आप थिकनेस देखें ये कम है, और ये मुख्तलिफ डायस के अंदर मिल जाता है, आम जगहों से ये छोटे साइज में मिलता है 1/2 इंच में, लेकिन ये जो है ना वो कुछ मार्केट्स के अंदर बड़ी मार्केट से ये आपको बड़े साइज में भी मिल जाएगा, लेकिन इसकी थिकनेस कम है और इसकी एफिशिएंसी भी तकरीबन जो है वो 70% के करीब है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन जो है वो 60-70% तक पानी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करता है, और ये पाइप्स का इशू जो पानी का है ये इवन सीमेंटेड टैंक जो है उसमें भी अगर हम देखें तो पानी सीमेंटेड टैंक्स के अंदर जो है वो शायद डबल वॉल टैंक हो तो उनमें गर्म नहीं होता, सिंगल वॉल में गर्म होता है,
लेकिन वहां पे पाइप्स का पानी फिर भी गर्म होता है तो उसको कवर करने की जरूरत पड़ती है। इसकी भी पर रनिंग फूड जो ये रनिंग फूड में मिलता है, पर रनिंग फूड जो कॉस्ट है वो तकरीबन अगर एक इंच वाले पाइप की हम बात करें तो 50-55 रुपए पड़ती है, लेकिन वो बगैर कवर किए हुए होता है। अगर इसको आप फर्दर किसी चीज से कवर करते हैं तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम जो है वो देखते हैं, अगर इसमें बेहतर हमें कोई मटेरियल चाहिए तो ये थर्मोपोल के ही पाइप आते हैं। ये पाइप एक इंच थिकनेस से लेके इससे ज्यादा थिकनेस भी मिल जाती है, लेकिन एक इंच थिकनेस काफी है। ये पाइप जो है थर्मोपोल की, अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो ये तकरीबन 85-90% तक पानी का टेम्परेचर शदीद गर्मी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये कंट्रोल कर लेगा। और अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में जो है ना ये एक इंच पाइप का जो डाया है उसके अंदर खाली अगर उसी तरह मटेरियल कॉस्ट इसकी उसके बराबर ही है, लेकिन इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। लेकिन हम ये जब प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को तो हम इसको उसी रिफ्लेक्टिव मटेरियल के अंदर कवर करके देते हैं। ये देखिए आप, इसमें ये हमने ऊपर रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगाया है, अंदर थर्मोपोल पाइप आप देख रहे होंगे, ये दोनों तरह से आप देख सकते हैं। पाइप के डाय के हिसाब से इसका जो है ना वो डाया चेंज होता है, और एंड इसके जो है ये हमने टेप एलुमिनियम टेप के साथ जो है ना वो सील किए हुए हैं। तो ये थर्मोपोल पाइप इंसुलेशन यूज करके, और ये कोई भी मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है, ये मैंने आपको बताया है कि इस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी मिनिमम 85% है और ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। इसके साथ हम बेल्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ग्लास वूल वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी कुछ 70% तक पानी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। और जंबोलोन जो है वो भी अगर एक इंच में यूज करेंगे तो तकरीबन 60% तक पानी का टेम्परेचर कंट्रोल होगा। लेकिन ये सारी इंसुलेशन जितनी भी हैं इनको वेदर प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, और वेदर प्रोटेक्शन ऐड करने के लिए जो है वो उसी से इसकी जो मेन कॉस्ट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है हर इंसुलेशन की। नॉर्मली सारी इंसुलेशन जो है वो देखने में सस्ती ही है, लेकिन जब आप वेदर प्रोटेक्शन ऐड करते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है। इन में से कोई भी मटेरियल, और इसकी हम गारंटी भी देते हैं प्रोडक्ट की, ये एफिशिएंसी की भी गारंटी देते हैं और इसके ख़राब होने की भी हम जो है वो कस्टमर को एक साल की गारंटी देते हैं। नॉर्मली मार्केट के अंदर जो है वो दुकानदार जो है वो सिर्फ ये कहते हैं जी पीछे से कंपनी ने जिस तरह ये दिया हमने आपको दे दिया है, लेकिन हम इसकी प्रॉपर एफिशिएंसी की भी और इसकी जो है ना वो लाइफ की भी जो है वो हम कस्टमर को गारंटी देते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फ्यूचर में अपने टैंक्स को जो है ना वो मार्केट से कोई भी मटेरियल लेके कवर कर सकते हैं, या ये हमारी स्मार्ट शील्ड जो है उसको लेके उसको उसके थ्रू भी कवर कर सकते हैं, और पानी को नॉर्मल रख के आप कंफर्टेबल लेवल पे उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के लिए जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।